नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे एजम्पशन जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी एजम्पशन लेते हैं जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हैं जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो एजम्पशन है इसके अंदर, वो हमारे पास क्या है, जो गैस होती है वो काफी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं लगभग जो एवोगैड्रो नंबर के बराबर आप इनको कह सकते हैं, जो कि उसके अंदर हम लेते हैं 10^23 है, इतने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की ये इस ऑर्डर की, जो एवोगैड्रो नंबर का ऑर्डर था यानी कि 10^23, तो इतने नंबर ऑफ ऑर्डर का अगर हम ले नंबर ऑफ ऑर्डर, तो इतने ज्यादा मॉलिक्यूल की ये गैस बनी होती है। और ये जो होती है ये परफेक्ट जो है इलास्टिक स्फीयर्स के बने होते हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने ज्यादा नंबर में होते हैं और परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर होते हैं वो। अब परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर के बारे में भी आगे पढ़ेंगे ये क्यों होते हैं। और कोई भी जो गैस होते हैं, गैस के कोई भी मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि हमने कोई एक गैस ले ली, तो उसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल मतलब वो एक तरह के होंगे, सेम होंगे हर एक एस्पेक्ट में, चाहे साइज में लगा ले, चाहे उनके शेप में लगा ले, चाहे मास में लगा ले, किसी भी तरह से लगा ले, वो आइडेंटिकल होंगे। लेकिन अगर कोई आप दूसरी गैस लेते हैं, दूसरी गैस के लिए वो अलग तरह के होंगे, लेकिन उसी गैस की अगर हम बात करें तो सारे मॉलिक्यूल जो है उसके एक ही तरह के होंगे। यानी कि एक जो गिवन गैस है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आइडेंटिकल होंगे, लेकिन डिफरेंट अगर कोई गैस है तो उसके उसी की तरह के होंगे, तो डिफरेंट के लिए डिफरेंट होते हैं, ये आप कह सकते हैं। तो पहले ही तो जो अजम्पशन है इसके अंदर हम यही लेते हैं। जो दूसरी अजम्पशन है, मॉलिक्यूल जो होते हैं गैस के वो हमेशा एक मोशन में रहते हैं, रैंडम मोशन में लगातार, और वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को ओबे करते हैं। अब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को ये ओबे करते हैं, लेकिन रैंडम मोशन में रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक कंटेनर है, इस तरह का कोई कंटेनर है, और उसके अंदर जो है मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह से मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं रैंडम जो है मोशन में रहते हैं, इस तरह से वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, ये रुकते नहीं है, स्टॉप नहीं होते हैं, रैंडमली ये मूव करते रहते हैं। और अगर हम इनकी स्पीड्स की बात करें तो ये जो इनकी स्पीड होती है लगभग जो है 500 मीटर पर सेकंड आप कह सकते हैं, इतने के लगभग जो है वो मूव करते हैं। हर एक मॉलिक्यूल की डिफरेंट स्पीड होती है, हो सकती है, और जो है लगभग 500 मीटर पर सेकंड का ऑर्डर जो रहता है इनका, कि इतनी स्पीड में ये मूव करती रहती हैं, तो ये एक ये अजम्पशन इसके अंदर रहती है। जो साइज होता है गैस मॉलिक्यूल्स का, जो भी मॉलिक्यूल है गैस के, वो काफी स्मॉल होता है एज कंपैरिजन टू डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लीजिए कि एक कंटेनर है, इस तरह से आपने एक कंटेनर ले लिया और उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए हम ये दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जो इनका साइज है, खुद का जो साइज है वो बहुत ही स्मॉल होता है अगर हम इसके जो डिस्टेंस की बात करें, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मान लीजिए डी है, और जो इनका जो साइज है तो वो जो है काफी स्मॉल होगा, साइज जो है बहुत ही स्मॉल होगा एज कंपेरिजन टू इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के, तो ये लगभग नेग्लिजिबल होता है इस डिस्टेंस के। अब जैसा कि अगर हम कहें, मान लीजिए किसी भी मॉलिक्यूल का कोई साइज है, मान लीजिए 1 एंजस्ट्रोम लगा लीजिए या 2 एंजस्ट्रोम लगा लीजिए। एंजस्ट्रोम का क्या मतलब है, 1 एंजस्ट्रोम का जो साइज होता है ये लगभग जो है 10^-10 मीटर के बराबर होता है 1 एंजस्ट्रोम। तो 1 एंजस्ट्रोम लगा ले आप कोई मॉलिक्यूल का साइज, 2 एंजस्ट्रोम लगा लें, कुछ भी लगा लें, जो इनका डिस्टेंस होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये ज्यादा होगा इसके साइज से। मान लीजिए ये 1 एंजस्ट्रोम का है, ये भी 1 एंजस्ट्रोम का है, तो ये जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी, ये हमारा या तो इक्वल होगा इस 1 एंजस्ट्रोम के, या फिर ग्रेटर देन होगा इस 1 एंजस्ट्रोम के, यानी कि इस जो इनका साइज है इनसे ज्यादा ही होता है। अगर 2 एंजस्ट्रोम लगाते हैं तो 2 एंजस्ट्रोम से ज्यादा ही आपको डिस्टेंस मिलेगा इन दोनों के बीच में, यानी कि डिस्टेंस ज्यादा होगा और साइज उसके कंपेरिजन में बहुत ही कम होगा। तो इसीलिए जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है कोई भी जो मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करता है वो तो नेग्लिजिबल होता है, लेकिन अगर जो गैस की बात करें तो वो पूरा कंटेनर जो है वो भर देती है, यानी कि वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है क्योंकि डिस्टेंस उनके बीच में ज्यादा होता है, और इनका जो साइज होता है वो लगभग नेग्लिजिबल हम लेते हैं, या कहें कि बहुत ही स्मॉल होता है एज कंपेरिजन जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनके बीच में किसी भी तरह की कोई भी फोर्स नहीं होगी, और उनके बीच में कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगी, ये आप कह सकते हैं
एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन के दौरान ही वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अगर आप जो है आइडियल गैस की बात करें, आइडियल गैस क्या होती है हमारे पास, आइडियल गैस जिसके अंदर जो इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर नहीं हो, फोर्स ऑफ जो रिपल्सन है वो भी इसके अंदर नहीं हो, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन भी ना हो, तो कोई भी फोर्स इनके बीच में एक्ट नहीं करती, तो अट्रैक्शन ना कि रिपल्सर। लेकिन जब ये टकराते हैं तब ये एक दूसरे के ऊपर आप कह सकते हैं कि कुछ फोर्स ये लगाएंगे। लेकिन वैसे जो है अगर गैस के मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं रहती एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, तो ये अजम्पशन हम लेते हैं। कोलिजन जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। अब परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब है, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, ये इस तरफ चल रहा है, ये इस तरफ चल रहा है, और यहाँ पर आकर जो है मान लीजिए टकरा जाते हैं, इस तरह से टकरा गए मान लीजिए। अब जब ये टकराव हुआ तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर हम इनकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें या फिर जो इनका मोमेंटम है उसकी बात करें, वो कंजर्व रहता है। जो काइनेटिक एनर्जी है और जो मोमेंटम है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम, यानी कि ये इसको अपनी एनर्जी दे सकता है, पूरी की पूरी दे देगा, जितनी भी दे देगा उतनी ही ये ले लेगा, कोई लॉस नहीं होगा, ऐसा आप कह सकते हैं, कोई लॉस नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी या फिर जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है इस तरह के कोलिजन में, या कहें कि कोई भी लॉस किसी प्रकार का हमारा नहीं होता। अगर हम रियलिटी की बात करें, प्रैक्टिकली बात करें, इस तरह का कोई कोलिजन नहीं होता, लॉस होता ही होता है। लेकिन अगर हम आइडियली बात करते हैं तो हम मानते हैं कि कोई भी लॉस नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी और जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेंगे, तो कोलिजन जो है परफेक्टली इलास्टिक रहेगा। मॉलिक्यूल डेंसिटी होगी जो वो यूनिफॉर्म होगी थ्रू आउट द गैसेस, यानी कि कंटेनर के अंदर कहीं पर भी आप उसकी मॉलिक्यूलर डेंसिटी माप लें तो वो आपको सेम मिलेगी, यूनिफॉर्म मिलेगी। किसी भी कॉर्नर पर माप लें, किसी भी हिस्से पर माप लें, तो मॉलिक्यूलर डेंसिटी जो है आपको सेम मिलती है। जो डिस्टेंस कवर होता है, अब देखिए हमने बात की कोलिजन के बारे में, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, और ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है इस तरह से। अब ये स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं बिफोर कोलिजन, अगर हम बात करें बिफोर कोलिजन की, यानी कि टकराव से पहले इन दोनों ने जितना भी पाथ चला, बिफोर कोलिजन की बात कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ बोलते हैं हम उसको। यानी कि कोलिजन से पहले जितना भी ये चलेंगे तो वो हमारा होता है मीन फ्री पाथ, उस चीज को बोलते हैं। इसी तरह से अगले कोलिजन, अगर अगले कोलिजन की बात कर ले, बिना टकराए जितनी दूर वो चले, तो वो भी हमारा मीन फ्री पाथ होता है। तो ये भी टर्म हमें याद रखनी है, डिस्टेंस कवर्ड विदाउट कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल, उसको हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं। कोलिजन आर इंस्टेंटेनियस बिटवीन द मॉलिक्यूल, जो कोलिजन होता है वो बिल्कुल इंस्टेंटेनियस होता है, एकदम से होता है। जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल से एकदम से ये टकरा जाएंगे, एक क्षण के अंदर, या कहें कि उससे भी कम के अंदर एकदम से टकरा जाएंगे। और जो अगर हम बात करें, अब ये जो इंस्टेंटेनियस हमने क्यों लिया है, क्योंकि अगर हम बात करें कि ये जो है और ये जो है मूव कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में मान लें कि मूव कर रहे हैं दूसरा कोलिजन होने से पहले, वो थोड़ा समय फिर भी है, लेकिन कोलिजन होते होते एकदम से कोलिजन हो जाता है, इंस्टेंटेनियस कोलिजन होता है। जो टाइम ऑफ कोलिजन है दो मॉलिक्यूल्स का, आप उसको नेग्लिजिबल कह सकते हैं। अगर कंपैरिजन करते हैं जो टाइम इंटरवल की बात करें टू सक्सेसिव कोलिजन के, यानी कि एक कोलिजन हुआ दूसरा कोलिजन हुआ, तो कोलिजन तो फटाफट से हो गए, और जो उनका जो सक्सेसिव उनके बीच में जो टाइम था ये कोलिजन होने में, वो जो है आप कह सकते हैं ज्यादा है, लेकिन कोलिजन इंस्टेंटेनियस है, एकदम से कोलिजन हो जाता है। तो ये जो सारी अजम्पशन है ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ हमारी गैसेस की होती है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।